आंध्र प्रदेश नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सदर अशोक बाबू ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दरवाजा खटखटाया। इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के गैर मौजूदगी में अहमद पाशा खादरी से मुलाकात कर इनके मसाइल को इनके सामने रखा और मांग की के यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के लिए इनका सपोर्ट असेंबली में किया जाए। हमें जो एमआईएम पार्टी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो 2008 में वादा किया ना, इसको असेंबली में ऐसी तरह बोलने से ये समय क्यों वादा हूँ। हमें जो बोल रहे हैं ना, उसको मदद देने में आपका ये वादा बहुत हमको फोर्स देता है। इसलिए सब लोग पूरा हैदराबाद में जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो सीमांध्र से हैदराबाद में रहते हैं ना, ये सब आपका तरफ देख रहे हैं। आपको ये समय के वादम में आप जो वादा किया ना, उसको कीपअप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम सब इधर आए। आपका वादा, आपका सपोर्ट अभी नहीं, फ्यूचर में हमको चाहिए। और ये सपोर्ट इसका आंध्र प्रदेश का नहीं, पूरा भारत के लिए। हमारा जो आंध्र प्रदेश में ये तेलंगाना विजन में जो डिसीजन आ रहे हैं, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के नहीं, पूरा नेशनल इंटीग्रेशन का बात है। इसीलिए आप जो डिसीजन ले रहे हैं, उसको हमें अच्छे तरह समझ के, वी वेलकम दी डिसीजन एंड वी होप दैट यू विल कीप अप द वर्ड इवन इन 2008। अभी जो जनाब अशोक बाबू साहब बताए हैं, उनके साथ ही काफ़ी देर तक यहाँ बैठे हुए हैं, तो तफसील से बात हुई और जितनी मसाइल पर उन्होंने हमारी निशानदेही की, उनका मकसद यही है कि इस मामले में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें, तायद करें। पूरा मैं सुन चुका हूँ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस उठे पार्लियामेंट को मैं पूरा इनका जो प्याम है वो पहुँचाऊँगा और सदर मजलिस जो भी डायरेक्शन देंगे हम उस डायरेक्शन के तहत काम करेंगे। कायदे मुकर्रना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी इस सिलसिले में सदर साहब से बात करेंगे, जो भी हिदायत देंगे उस पर करेंगे, अमल करेंगे। हमारे अशोक बाबू साहब पूरी तफसील से यहाँ के मसाइल के ताल्लुक से हमको वाकिफ कर रहा है। ये पूरा पूरा लफ ब लफ एक एक पॉइंट सदर साहब को सुनाया जाएगा और उन जो भी हिदायत देंगे हम उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया। उसको बताया कि जिस तरीके से समेती आंध्रा के लिए हमारी तायद करने के लिए बताए, वो पूरे आपके साथ आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो पूरे लोग आए हैं तो वो बात सुन चुका हूँ। मैं पार्टी प्रेसिडेंट के नॉलेज में ला के हूँ, जो भी डायरेक्शन देंगे उसको काम करेंगे। जमात का हमारा जो मौकूफ है सबके सामने है, एक ही स्टैंड है, 69 से जो स्टैंड है आज हुई 1972 में इंटीग्रिटी अंड ट्राइ टू प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ द इंडिया। मेमेम सुल्तान सालार सालुद्दीन मावसी गार इक्कड कलिसिनप्पुडु 2003 లో హామీ ఇచ్చారు, తర్వాత కూడా అస్తుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని కలిసినప్పుడు కూడా హామీ ఇచ్చారు. మేము తప్పనిసరిగా మజ్లిస్ పార్టీ పూర్తి సమైక్యానికి నిలబడి ఉంటుందని, అసెంబ్లీలో ఉన్న 7 శాసనసభ్యులు ఖచ్చితంగా సమైక్యానికి నిలబడి ఉంటారని ఆశిస్తున్నాం. పార్లమెంట్లో కూడా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు అస్తుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కూడా సమైక్య ఆంధ్రాకి కట్టుబడి ఈ భారతదేశ ఇంటిగ్రిటీని కాపాడటానికి ప్రయత్నిస్తారని నమ్ముతా ఉన్నాం.